हेलो गाइस इन द लास्ट लेक्चर वी टॉक अबाउट द फंडामेंटल्स ऑफ वेक्टर्स वेक्टर्स व्हाट आर द देन वी फंडामेंटल अबाउट हाउ दे आर रिप्रेजेंटेड व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड विद द वेक्टर्स ये छोटी छोटी चीजें हमने देखी इन द लास्ट लेक्चर इन द लास्ट लेक्चर वी टॉक अबाउट वन बेसिक ऑपरेशन ऑफ वैक्टर्स दैट इज एडिशन फॉर एडिशन इन द वैक्टर अल्जेब्रा बेसिकली वी स्टार्टेड विद स्टार्ट विद्जेब्रा इन द दैक्टर अल्जेब्रा वेक्टर एडिशन का एक लॉ देखा हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में दैट इज Uh, triangle लॉ ऑफ vector एडिशन इन दिस लेक्चर we आर गोइंग टू टॉक अबाउट parallelogram लॉ ऑफ vector एडिशन बहुत ही इजी है बहुत ही इजी है बिकॉज अगर आपको ट्रेंगल लॉ समझ में आ गया तो ट्राइंगल लॉ इज बेसिकली 80 परसेंट पार्ट ऑफ द पैरलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सिंपल सी बात है इफ़ यू रिमेंबर हमने ट्रेंगल लॉ जब देखा था तो ट्राएंगल लॉ के वक्त आई टोल्ड यू कि ट्राएंगल लॉ के वक्त आपको अगर दो वैक्टर्स दिए गए तो एक वैक्टर के हेड पे दूसरे वैक्टर का टेल रख के हम एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं देन पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड तक अगर हम एक वेक्टर तैयार कर लें तो ये वाला जो वेक्टर होता है दिस वेक्टर इज बेसिकली रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स इन दो वेक्टर का ये रिजल्टेंट होता है यहाँ पे भी हमें रिजल्टेंट ही फाइंड आउट करना है स्लाइटली डिफरेंट मेथड होती है जिसमें से एटी परसेंट पार्ट में हमें ट्रेंगल लॉ ही अप्लाई करना है बस एक छोटा सा बेसिक uh, स्ट्रक्चर में डिफरेंस है सो so, इसमें हम क्या करते हैं कि वहां पे हमने ये वाला स्ट्रक्चर किया था कि पहले के हेड पे अगर ये ए बार है तो यहां पे हमने बी बार लिया था और पहले के हेड पे सॉरी uh, पहले के टेल टेल हेड पे दूसरे का रख के हमने स्ट्रक्चर uh, तैयार किया था यहां पे हम क्या कर रहे हैं कि दोनों के टेल्स एड uh, कर रहे हैं ठीक है ना सो so, दोनों के टेल्स एक ही जगह पे ऐड कर रहे हैं तो मुझे डायरेक्टली उन दोनों के बीच का एंगल भी मिल जाता है नाउ व्हाट आई डू ये वाला जो स्ट्रक्चर है इस वाले स्ट्रक्चर को एग्जैक्टली exactly रिप्लिकेट करता हूं मैं एंड आई क्रिएट अनदर स्ट्रक्चर यहां पे ये जो ए बार है तो ये भी ए बार ही है यहां पे ये जो बी बार है यहां पे ये भी बी बार है इसका मतलब ये वाला और ये वाला इक्वल एंड पैरेलल है ये वाला और ये वाला इक्वैलेंट पैरेलल है इसका मतलब ये पैरेललोग्राम तैयार हो जाता है तो वेक्टर लॉ पैरलोग्राम का जो वैक्टर uh, एडिशन का लॉ है वो क्या कहता है कि इफ वी क्रिएट दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इन दिस स्ट्रक्चर द डायगोनल यू द रिजल्टेंट यहां पर वैक्टर एडिशन का जो पेरोग्राम लॉ है उसमें बेसिक स्ट्रक्चर हमने पैरोग्राम का तैयार किया और उस पैरलोग्राम का ये जो डायगोनल uh, होता है बेसिकली दिस डायगोनल गिव्स यू द रिजल्टेंट डायगोनल स्टार्टिंग फ्रॉम द कॉमन पॉइंट ऑफ बोथ द वेक्टर्स ये वाला जो डायगोनल होता है ये वाला डायगोनल आपको क्या देता है रिजल्टेंट uh, uh, देता है तो इसको अगर प्रूव करना है तो अगेन व्हाट आई एम गोइंग टू डू सी से मैंने एक परपेंडिकुलर नीचे डाल दिया ए को एक्सटेंड कर दिया यहाँ पे ये वाला परपेंडिकुलर है ठीक है सो so मैंने सारे नाम दे दिए जस्ट टू हैव अ लुक एट द ऑल नेम्स ठीक है ना तो ये वाला स्ट्रक्चर है ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला भी एंगल थीटा होगा यहां पे ओ नाम दे दिया है इन दोनों का जो भी कॉमन पॉइंट है यहाँ पे ए है बी है सी है यहां से परपेंडिकुलर नीचे डाल दिया ये वाला परपेंडिकुलर है अब यहां से इसके आगे आपको क्या करना है नथिंग जस्ट आपको पता है कि ए सी इज नथिंग बट ओ बी ए सी इज नथिंग बट ओ बी तो ओ सी स्क्वायर यानी आ, ये ओ सी स्क्वायर ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम यानी ये पूरा सॉरी ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एन नहीं चाहिए यहां पे ओ uh, एन चाहिए सॉरी ओ एन स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर यानी ये पूरा स्क्वायर प्लस ये पूरा स्क्वायर गिव्स यू ये पूरा स्क्वायर बस खत्म इसके आगे आपको वेक्टर लॉ ही अप्लाई करना है कौन सा ट्रायंगल लॉ ट्रायंगल लॉ से ही आपको पूरा प्रूफ तैयार करना है इसलिए मैंने यहां पे डॉट 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 देखे रखा है दिस इज योर असाइनमेंट फॉर दिस टू ये असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन है इस असाइनमेंट के पहले क्वेश्चन में आपको क्या करना है ये पूरा का पूरा सॉल्व करना है यू डोंट हैव टू सबमिट दिस असाइनमेंट लेकिन आपको ये पूरा का पूरा का सॉल्व करना है आई डोट हैोल्व इट आपको सॉल्व करना है इसके आगे बस ट्रेंगल लॉ यूज करना है ट्रेंगल लॉ में हमने जो कुछ भी किया था यहाँ पे वही करना है एट द एंड आपको जाके क्या मिलेगा एवरीथिंग विल बी इन द एसी फॉर्म लेकिन मुझे पता है कि एसी इज नथिंग बट ओबी बी यहाँ पे लिख के रखा है मैंने सी इज नथिंग बट ओ बी तो एसी को बस ओबी में कन्वर्ट करके आपको बी बार लिखना है खत्म यानी अगर ये बी बार है तो ये भी ही होगा बाकी सब कुछ मैंने पे प्रूव नहीं किया है आपको एंड में जाके ये वाला मिल जाएगा यू कैन फाइंड आउट ये वाला फॉर्मूला और एक दूसरी असाइनमेंट मैं आपको दे रहा हूं कि कल मैंने आपको बोला था ठीक से देखना कल मैंने आपको बोला था कि जैसे ए बार प्लस बी बार होता है वैसे ही बी बार प्लस ए बार होता है और ये दोनों जो होते हैं ये दोनों एग्जैक्टली exactly सेम होते हैं तो आप जब बी बार इज इक्वल टू ए बार करोगे अल्फा हमने कल देखा था अल्फा इज बेसिकली एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट विध रिस्पेक्ट टू ए तो बीटा इज एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू बी तो ये आपको फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है आज कहीं से भी देख लो किसी भी बुक में से देखा तो भी चलेगा दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन फॉर टूडेज असाइनमेंट पहला क्वेश्चन है कि प्रूफ ऑफ पैरोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सिंपल सी बात है यहाँ पे ये दोनों बेसिक स्ट्रक्चर चेंज होने के बाद ये ये लिखना है और उसके आगे कंटिन्यू ट्राइंगल लॉ ही करना है और दूसरा है आपको ये बीटा एंगल मेड बाय रिजल्टेंट रिस्पेक्ट टू बी ये आपका दूसरा असाइनमेंट का क्वेश्चन है ये दो क्वेश्चन आपको आज सॉल्व करना है ठीक है नेक्स्ट तीसरा लॉ है यहाँ पे अगेन वेक्टर एडिशन का ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बेसिकली टॉक्स यू अबाउट द एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स ओनली दो ही वेक्टर के एडिशन के बारे में बात करते हैं लेकिन अगर मल्टीपल वेक्टर्स हो तो कैसे किया जाता है इसके बारे में और एक लॉ हैलोग्राम सॉरी पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन सपोज ऐसे रैंडम आपको वेक्टर दिए गए हैं ए बी सी डी ई अगर पांच वेक्टर्स है तो मैं उसको पुट करता हूं एक अब दूसरे का जो भी हेड सॉरी टेल है सॉरी हेड है हेड पर दूसरे का टेल रखे यानी बी का तो यहां पर यह ऐसे आ गया देन अगेन ये तीसरा वाला सी वाला वेक्टर ऐसे रख दिया चौथा वाला डी वाला वेक्टर रख दिया उसके बाद पांचवा वाला ई e वाला वेक्टर रख दिया तो ये जो पॉलीगॉन बन गया ये ओपन पॉलीगॉन बन गया विथ साइड एक दो तीन चार पाँच तो ये जो सिक्स साइड है जो कंप्लीट करने के बाद मुझे पॉलीगॉन मिल जाएगा वो वाली साइड अगर मैं उल्टी रख देता हूं तो बेसिकली ये वाला जो वेक्टर होता है ये वेक्टर होता है सब का मिलके रिजल्टेंट यानी ये वाला जो वेक्टर आपको मिलेगा ये वाला जो वेक्टर मिलेगा फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर ये वाला जो पॉलीगॉन कंप्लीट करने के लिए हेल्प करने वाली साइड है ये अगर वेक्टर फॉर्मेट में मैंने अगर उल्टा रख दिया देखो यहां पे एक साइकिल तैयार हो रही है हर एक जगह पे बस ये वाला जो वेक्टर है ये उल्टा है अगर मैं ऐसे रख देता हूं तो मुझे रिजल्टेंट मिल जाता है यहां पे बार चाहिए यहां सभी जगह पे बी बार सी बार डी बार ई बार और ये आर बार तो बेसिकली आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस डी बार प्लस ई बार इसका ग्राफिकल अगर प्रूफ आपको बताना है तो आई कैन टेल यू कि अगर ये ए बार और बी बार का रिजल्टेंट निकालना है सिर्फ ए बार और बी बार का रिजल्टेंट निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ता है ये ट्रेंगल लॉ में रखा हुआ है ट्रेंगल लॉ के स्ट्रक्चर में पहले के

ये तैयार तो मिलेगा मुझे अब ये वाला जो दूसरा रिजल्टेंट मिला इस रिजल्टेंट का और डी बार का रिजल्टेंट कहां पे मिलेगा मुझे ये वाला रिजल्टेंट मिलेगा यानी आप ठीक से अगर देखोगे तो ये वाला जो रिजल्टेंट है बेसिकली ये ए बार प्लस बी बार है ठीक है ये वाला रिजल्टेंट क्या मिलेगा मुझे ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार यानी ये वाला रिजल्टेंट क्या है मेरा ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार अब ये वाला रिजल्टेंट ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार है तो ये वाला रिजल्टेंट किसका है इसका और इसका मिला के है इसलिए ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस डी बार तो यानी ये वाला रिजल्टेंट क्या मिलेगा मुझे ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस डी बार यानी ए बार प्लस सी बार प्लस डी बी बार प्लस सी बार प्लस डी बार अब उसके बाद ये वाला जो है इसका और इसका रिजल्टेंट यानी ये आर अगेन तो मुझे क्या मिला आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस डी बार प्लस ई बार ये है वेक्टर लॉ सॉरी वेक्टर का वेक्टर एडिशन का पॉलीगॉन लॉ इफ नंबर ऑफ नॉन जीरो पॉलीगॉन देन गिवन बाय क्लोजिंग साइड ये क्लोजिंग साइड मिली आपको सो क्लोजिंग साइड ऑफ द और एंथ साइड ये वाली एंथ साइड है यहां पे देखोगे तो आप हेजगॉन बन रहा है तो उसमें से पांच साइड जो है वो पांच वेक्टर्स है

रिजल्टेंट uh, देता है सो दिस इज द पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जहां पे आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस डी बार प्लस ई बार यहां पे पॉलीगॉन लॉ मिल जाता है हमें okay, ओके अब उसके आगे दो वेक्टर का एडिशन जीरो कब हो सकता है दो वेक्टर्स का एडिशन जीरो कब हो सकता है ठीक से देखना जीरो रिजल्टेंट दोनों का रिजल्टेंट जीरो कब हो सकता है तो अगर यहां पे आर बार में ये ए बार और बी बार अगर ये दोनों इक्वल हैं ठीक है मैग्नीट्यूड वाइज दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम है ठीक है यानी अगर ये ए बार है ठीक है तो एग्जैक्टली exactly इतना ही मैग्नीट्यूड बी बार का अगर है तो ए बार तो मुझे क्या मिलेगा यहां पे ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर यहां पे बी स्क्र को भी डायरेक्ट मैं ए स्क्वेयर भी लिख सकता हूं सो ए स्क्वेयर प्लस टू इंटू ए और ए क्या है ए और ए ठीक है ना बी को भी ए रख रहा हूँ ए को भी ए रख रहा हूँ तो ए इंटू ए क्या मिलेगा मुझे ए स्क्वायर सो टू ए स्क्वायर और ठीक है ना यानी ये कंडीशन है और दूसरी कंडीशन क्या है दूसरी कंडीशन है कि दोनों जो है वो एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में चाहिए यानी ये अगर ऐसे है तो बी बार एग्जैक्टली ऐसे चाहिए तो बी बार अगर ए बार अगर ऐसे है बी बार अगर, अगर ऐसे है तो दोनों के बीच का एंगल uh, कितना हुआ 180 डिग्री यानी कॉस 180 इज इक्वल टू क्या मिलता है मुझे माइनस वन यानी यहाँ पे ये जो

इस डायरेक्शन में अगर पांच न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं तो बीच वाला जो पॉइंट होगा उस पर कितना लग रहा है अपोजिट है? है exactly होते हैं विथ इक्वल मैग्नीट्यूड तभी आपको जीरो रिजल्टेंट मिल सकता है अब यहां पे एक क्राइटेरिया मिल जाता है कि जीरो रिजल्टेंट मिलने के लिए दो वेक्टर्स जो होते हैं वो एग्जैक्टली exactly सेम प्लेन में होनी चाहिए यानी अगर तीसरा दूसरा वेक्टर ठीक है ना एक वेक्टर, सपोज अगर यहां पे है, वेक्टर है तो उन दोनों का रिजल्टेंट जीरो कभी नहीं हो सकता बिकॉज उन दोनों में एंगल वन एटी डिग्री कभी नहीं हो सकता वन डिग्री दो वेक्टर्स में एंगल कब हो सकता है वेन दे आर इन द सेम प्लेन तभी उन दोनों में एंगल वन डिग्री हो सकता है ठीक है दूसरी दूसरा एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है कि दो वेक्टर जो होते हैं दो वेक्टर्स अगर सेम प्लेन में होते हैं तो उन दोनों का जो प्लेन होता है तो उनका रिजल्टेंट भी उसी प्लेन में होता है पहला पॉइंट मैंने क्या बताया पहला पॉइंट ये बताया मैंने कि दो वैक्टर्स जो होते हैं अगर सेम प्लेन में है तभी उनका रिजल्टेंट जीरो हो सकता है दूसरी एक बात होती है कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट जो होता है वो उनके ही प्लेन में होता है अगर मैं यहां पे अगर ये दो वेक्टर्स कंसिडर करूं ठीक है ये दो वेक्टर्स अगर कंसिडर करूं तो इनका रिजल्टेंट इसी प्लेन में होगा अगर आप एक वैक्टर ऐसे कंसिडर कर रहे हो दूसरा वैक्टर परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन uh, कर रहे हो तो उसका रिजल्टन कहाँ पे मिलेगा तो उनका रिजल्ट मिलेगा उन दोनों के ही प्लेन में ट्राई टू इमेजिन द थिंग्स ठीक है ना उनको इमेजिन करने की कोशिश करो कि वो कैसे मिलेगा सो so, दो दो इंपॉर्टेंट बातें होती है कि एक फर्स्ट थिंग कि दो वेक्टर्स का रिजल्ट जीरो तभी हो सकता है व्हेन दे आर इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन एंड वो होने के लिए बोथ शुड बी इन द सेम प्लेन और दूसरा होता है कि दो वेक्टर का रिजल्ट जो होता है उन दोनों के प्लेन में ही होता है ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो लिखना है आपको आपके नोट्स के नोटबुक पे तो अब एक्सक्यूज <coughs> तो अब यहां पे मैं आपको तीन इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा वेक्टर्स एडिशन के बारे में पहली बात है कि रिजल्टेंट ऑफ टू अनइक्वल वेक्टर्स कैनॉट बी जीरो अगर अन इक्वल है तो उनका रिजल्टेंट जीरो कभी नहीं हो सकता पुट दीज टू वैल्यूज ठीक है ना ठीक है ना आ, अगर ए और बी अलग अलग है तो उन दोनों के बीच में एंगल कुछ भी हो उनका रिजल्टेंट जीरो कभी नहीं हो सकता दूसरा रिजल्टेंट ऑफ को प्लेनर वैक्टर्स मे और मे नॉट बी जीरो को प्लेनर जो होते हैं ठीक है ना थ्री प्लेनर को प्लेनर थ्री को प्लेनर वैक्टर सपोज अगर मैंने ये कंसिडर किया ये दूसरा कंसिडर किया अगर ये तीसरा कंसिडर किया तो सब सपोज ये जो तीन वैक्टर्स हैं तीन वेक्टर्स का तीन वेक्टर्स का अगर मुझे एडिशन करना है तो पहले मैं इन दोनों का करूंगा, उसके इसको उन दोनों के में करूंगा, सही है? तो अगर ये वाला वेक्टर और डायरेक्शन ये, ये है तो ये जो तीन वैक्टर्स हैं तीन वैक्टर्स का रिजल्टेंट क्या होगा जीरो, ठीक से देखना ये वेक्टर और ये वेक्टर इन दोनों को ऐड किया मैंने तो मैंने मुझे ये वाला वेक्टर मिला जिसका मैग्नीट्यूड इस वेक्टर के इक्वल है और डायरेक्शन इस तरफ है तो ऑब्वियसली इसका और इसका एडिशन कितना होगा जीरो ठीक है यानी ये अगर ए बार है ये अगर बी बार है और ये अगर सी बार है तो ये वाला जो वेक्टर है वो क्या है ए बार प्लस बी बार सही है अगर ए बार प्लस बी बार का मैग्नीट्यूड इक्वल टू सी बार है और डायरेक्शन अगर इस डायरेक्शन में है तो इसको ए बार प्लस बी बार को मैं क्या माइनस सी बार करके रिप्रेजेंट कर सकता हूं

लेकिन अगर थ्री नॉन कोप्लेनर वैक्टर्स हैं तो उनका रिजल्टेंट कभी भी जीरो नहीं हो सकता ट्राई टू इमेजिन कि अगर ये एक वेक्टर है ये एक वेक्टर है और तीसरा वेक्टर जो है परपेंडिकुलर टू द प्लेन है तो इन दोनों का जो भी रिजल्टेंट होगा वो भी इसी प्लेन में होगा तो इसका मतलब ये रिजल्टेंट और तीसरा वेक्टर जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है ये दोनों कभी भी एक दूसरे को कैंसल आउट नहीं कर सकते हैं इसका मतलब उनका रिजल्टेंट कभी जीरो हो ही नहीं सकता है ट्राई टू इमेजिन ये थोड़ा सा इमेजिनेशन का काम है बिकॉज यू हैव टू इमेजिन इन थ्री डी थ्री डी में इमेजिन करना पड़ेगा आपको ठीक है सो दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड विद द वेक्टर एडिशन और एक इंटरेस्टिंग पार्ट है अब हमने एडिशन देखा नाउ विल गो फॉर द दब्रेक्शन के लिए जाते हैं हम वेक्टर के सबरेक्शन के लिए जा रहे हैं तो उससे पहले एक छोटी सी कंसेप्ट देख लेते हैं निगेटिव वैक्टर्स तो सी बात है कि वैक्टर्स में कुछ नहीं होता है वेक्टर्स में यानी जो वेक्टर हम जो आ, आ, हम जो हम हम डायरेक्शन को पॉजिटिव पकड़ रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में यहां पे अगर मैं ए बार इस डायरेक्शन में दिखा रहा हूं इसका मतलब इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव पकड़ रहा हूं तो अगर मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव पकड़ रहा हूं तो ऑब्वियसली ये वाली डायरेक्शन क्या होगी निगेटिव डायरेक्शन तो यह क्या हो गया माइनस ए बार खत्म यानी बस डायरेक्शन अपोजिट कर दी मैंने इसकी इसी वेक्टर की अगर मैंने डायरेक्शन अपोजिट कर दी मैग्नीट्यूड उतना ही रख के तो मुझे क्या मिल जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं निगेटिव वैक्टर ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सबस्ट्रैक्शन में subtraction में क्योंकि अगर मैं ये ए बार ये ए और बी अगर ये दो वैक्टर्स हैं इन दोनों का वैक्टर एडिशन करना है मुझे तो मैं ऐसे करता हूं विथ पैरलोग्राम लॉ से सो पैरलोग्राम लॉ से अगर मुझे ये मिल जाता है तो यहां पे अगर मैंने ए बार बी बार की जगह पे माइनस बी बार ले लिया तो ये वाला जो वेक्टर है ये वाला अलग वेक्टर मिला मुझे ये वाला अलग वेक्टर मिला इन दोनों का रिजल्टेंट जो होता है मुझे ऐसे मिल जाएगा विथ अगेन पैरलोग्राम लॉ से गेटिंग द पॉइंट अगर पैरोग्राम लॉ से अगर मुझे ये मिल रहा है तो एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूं ए बार प्लस माइनस बी बार कर रहा हूं इन दो वेक्टर्स को ऐड कर रहा हूं ना तो ए बार प्लस माइनस बी बार विच इज नथिंग बट ए बार माइनस बी बार दिस इज नथिंग बट वेक्टर दैट्स इट आपको क्या करना होता है कि जो भी वेक्टर आपको सब्ट्रैक्ट करना है ओरिजिनल वेक्टर में से तो आपको क्या करना पड़ता है उस वेक्टर का निगेशन लेना पड़ता है एंड देन जस्ट फाइंड आउट द रिजल्ट विथ नॉर्मल प्रोसीजर ट्राइंगल लॉ यूज करो या फिर

तो एंगल उन दोनों में कि, कितना है अगर ये एंगल अगर थीटा है तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल कितना बार तो और माइनस बी बार इन दोनों का रिजल्ट निकाल रहा हूं तो अगेन फॉर्मूला तो यही रहेगा फॉर्मूला तो यही रहेगा रिजल्ट का बिकॉज ये एक अलग वैक्टर है जिसका वैल्यू कितना है माइनस बी बार और ये अलग वैक्टर है जिसका वैल्यू कितना है बात तो इन दोनों को अगर मैं पुट कर रहा हूं तो यहां पे ए स्क्वेयर बी स्क्र माइनस माइनस क्यों थीटा माइनस हो गया सो ए स्क्र प्लस बी स्क्र क्योंकि माइनस बी की स्क्वेयर सॉरी बी का माइनस बी का मैग्नीट्यूड कितना होता है हाँ ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है माइनस बी का मैग्नीट्यूड भी बी ही होता है और प्लस बी का मैग्नीट्यूड भी बी ही होता है याद रखना मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू ठीक है ना ऑलवेज पॉजिटिव होता है सो बी का मैग्नीट बी बार का मैग्नीट्यूड बी ही होता है और माइनस बी बार का मैग्नीट्यूड बी ही होता है सो so, इसलिए यहां पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्र इंटू टू ए बी और cos थीटा की भी जगह पे माइनस थीटा रख दिया तो ये माइनस कॉसिटा यहाँ पे माइनस हो गया सो so, uh, अगर a प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है तो इट विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्र प्लस टू ए बी कॉस्टा अगर a माइनस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है

यहां पे ठीक से देखना अल्फा इज द बी कॉस बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा ठीक है यहां पे हमने ये लिया हुआ है तो यहां पे बेसिकली अल्फा एंगल कौन सा पकड़ रहे हैं हम लोग ये वाला अल्फा एंगल पकड़ रहे हैं और दूसरा एंगल कौन सा पकड़ रहे हैं बी बीटा यानी बी के साथ किया हुआ एंगल पकड़ रहे हैं ठीक है ना ये यहाँ पे नीचे यानी ये मेरा अल्फा पकड़ रहे हैं हम लोग यहाँ पे ये बीटा पकड़ रहे हैं ठीक है ना हमने ऑर्डर चेंज किया हुआ है इन द जब हमने प्रूव किया था तो ये नीचे वाला ए uh, था इसलिए यहां पे अल्फा लिया था ये वाला बी था इसलिए यहां पे बीटा लिया तो यहां पे उल्टा किया हुआ ठीक है सो ठीक है दैट डजन मैटर मुद्दा ये है कि uh, यहां पे बस मुझे सॉरी यहाँ पे बस मुझे क्या करना है कि यहां पे uh, अल्फा और बीटा की जगह पे यहां पे भी अल्फा और बीटा करूंगा मैं रिजल्टेंट ऑफ सब्सट्रैक्शन रिजल्ट का एंगल मेड अल्फा अल्फा कौन सा एंगल है अल्फा इज द एंगल मेड विथ ए यानी ये वाला अल्फा एंगल है आपका ये वाला अल्फा है और ये वाला जो है ये वाला बीटा है

कि एक पॉइंट अगर मैंने कंसिडर किया यहां पर सपोज पी पॉइंट कंसिडर किया ये एक्स वाई जेड कोर्डिनेट सिस्टम है इसमें यह पी पॉइंट जो है तो ये वाला फ्रॉम द ओरिजिन यहां पे जो ज्वाइंट कर रहा है ये वाला जो वेक्टर है इस वेक्टर को P का पोजीशन वेक्टर कहा जाता है ठीक है P का पोजीशन वेक्टर क्या कहा जाता है P की पोजीशन क्या है P की पोजीशन इज X, Y एंड Z ये P का P के कोऑर्डिनेट्स है यानी P की पोजीशन है ये ठीक है तो ओरिजिन से इस पोजीशन तक जो भी वेक्टर आपको आपने निकाला हुआ है ओरिजिन से लेके उस पॉइंट तक उसे क्या कहा जाता है पोजीशन वेक्टर ठीक है ना आर बार अगर मैं इसको नाम देता हूं बार बार ठीक है ना अगर नाम देता हूं तो आर बार इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी आर बार जो है वो है पोजिशन वैक्टर ऑफ पॉइंट पी अब ये वाला जो पोजिशन वैक्टर ऑफ पॉइंट पी है दिस पोजिशन वैक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज रिजल्टेंट ऑफ थ्री वेक्टर्स आर इन एक्स डायरेक्शन ये थोड़ा समझने के लिए कॉम्प्लिकेट है मैं आपको और ठीक से बता देता कि मैं ये एक्स डायरेक्शन का वेक्टर ठीक है ये वाई डायरेक्शन का वैक्टर और ये एक जेड डायरेक्शन का वेक्टर है तीन वेक्टर का रिजल्टेंट है ऐसे में कंसिडर करके चल रहा हूं ठीक है? है. है, है तो कोई भी पोजीशन वेक्टर जो होता है मैं उसको अगर एक्स वाई जेड तीन डायरेक्शन के वेक्टर्स का रिजल्टेंट कंसिडर कर रहा हूं तो आई हैव टू रिप्रेजेंट वेक्टर सॉरी यहां पे बार नहीं चाहिए एक्सट्रीमली सॉरी यहां पे बार नहीं चाहिए बिकॉज उसके आगे मैंने ऑलरेडी uh, uh, ये वेक्टर्स दिए हुए हैं यूनिट सो बेसिकली कल मैंने जैसे बताया था आपको कि

कि ये वैल्यू जो है ये जो एक्स डायरेक्शन का वेक्टर होता है इसका मैग्नीट्यूड होता है एक्स यानी पी का एक्स कंपोनेंट। इसका मैग्नीट्यूड होता है वाई पी का वाई कंपोनेंट। और इसका मैग्नीट्यूड होता है जेड यानी पी का जेड कंपोनेंट। यानी एक्स कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय आई कैप प्लस वाई कॉम्पोनेंट मल्टीप्लाइड जेड कैप इंटू जेड सॉरी जे कैप इंटू जेड प्लस सॉरी प्लस जेड कॉम्पोनेंट इंटू के कैप

Uh, ये तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं इसलिए रेक्टेंगुलर कंपोन ऑफ द वेक्टर आर बार ऐसे भी कहा जा सकता है या फिर प्रोजेक्शन किया जाता है यानी अगर आपको एग्जाम्पल देना है तो एक एग्जाम्पल अगर मैंने पूछा आपको वट इज द एक्स प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए बार गिवन बाय थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप प्लस फाइव के कैप ठीक है तो अगर मुझे पूछा गया तो यहां पे मैं बता सकता हूं ये वाला जो पार्ट है ये वाला और एक चीज होती है यहां पे, कि यहां पे याद रखना कि अगर मुझे ए बार अगर पोजिशन वेक्टर दिया गया है तो ए बार पोजिशन वेक्टर का जो टिप है उसका कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे ए बार पोजिशन वेक्टर है अगर मैं यहां पर एक वेक्टर ले लेता ये एक पॉइंट लेता जिसका पोजीशन तो क्या होंगे उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे थ्री कॉमा फोर कॉमा फाइव गेटिंग द पॉइंट ये इतना इंटरेस्टिंग है ठीक है ना ये कैसे आया ये हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में देखेंगे बाद में अभी के लिए बस समझ लो कि ये ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है फॉर द न्यूमेरिकल uh, सॉल्व uh, uh, करने के लिए हमें लगेगा ये ठीक है सो व्हाट इज द वाई कंपोनेंट ऑफ़ ए बार इज़ इक्वल टू थ्री आई क्या प्लस फोर क्या अब वाई कंपोनेंट यानी वहां पे क्या होना चाहिए जे बार होना चाहिए यहां पे जे बार दिख रहा है आपको नहीं इसका मतलब वाई कंपोनेंट ऑफ ए बार इज जीरो क्योंकि वहां पर है ही नहीं ये पूरा का पूरा जो वेक्टर है अगर यहां पे देखोगे तो ये एक्स कंपोनेंट है यह जेड कंपोनेंट है इसका मतलब उसके सिर्फ दो कोऑर्डिनेट्स मतलब कोऑर्डिनेट्स है वो किस प्लेन में है जेड प्लेन में है अगर ये एक्स जेड प्लेन में है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा जीरो वाई कंपोनेंट क्या होगा जीरो वाई प्रोजेक्शन क्या होगा जीरो हाउ इट इज डन ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसके थ्री स्टार देखे रखे हुए हैं सो so, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है तो ठीक से समझ लो ये यहाँ पे कैसे किया जाता है ठीक है अब उसके आगे और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट देखेंगे सपोज एक ए बार नाम का वेक्टर है जो रिप्रेजेंट किया गया है आय एंड जे यानी सिर्फ ये आय और जे से रिप्रेजेंट किया है इसका मतलब ये सिर्फ एक्स वाई प्लेन में ही होगा अगर मैं इसको एक्स पकड़ लेता हूँ इसको वाई पकड़ लेता हूँ तो ये इसमें ही होगा दूसरा यहाँ पे बी बार दिया हुआ है विच इज फोर ऐसे ऐसे दिया हुआ है। अगर 4I 6J, ऐसे दिया हुआ हुआ है। है, अगर इसका मतलब ए तो बार मतलब जो वेक्टर है वो थ्री आई कैप यानी थ्री मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर जो एक्स डायरेक्शन में है वो वाला वेक्टर और फाइव जे कैप यानी एक वेक्टर जो वाई डायरेक्शन में है विथ मैग्नीट्यूड फाइव ठीक है ना तो ये तीन है ये पांच है तो इन दोनों का रिजल्टेंट इज़ नथिंग बट ए बार ठीक है ऐसे रिप्रेजेंट किया हुआ वैसे बी जो है बी फोर है इसका मतलब एक्स डायरेक्शन में ये जो फोर मैग्नीट्यूड का वेक्टर है वो वेक्टर एंड वाई डायरेक्शन में सिक्स मैग्नीट्यूड का जो वेक्टर है वो वेक्टर ठीक है उन दोनों का रिजल्टेंट ये बी बार है ठीक है तो अब मुझे करना है क्या तो मुझे करना है ए बार प्लस बी बार करना है अगर मुझे ए बार प्लस बी बार करना है तो मैं क्या करूंगा वट आई डू मैं उनके एक्स एक्स कंपोनेंट ऐड कर दूंगा मैं उनके वाई वाई कंपोनेंट ऐड कर दूंगा यानी एक्स एक्स कंपोनेंट ये है यानी ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर थ्री मैग्नीट्यूड वाला ये वाला वेक्टर एंड ये वाला वेक्टर, ये वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा मुझे तो इसका मतलब करना इसका मतलब अगर मैं ये वाला जो वेक्टर है इसको अगर मैं पी कंसिडर करूं ये वाला जो वैक्टर है इसको अगर मैं क्यू कंसिडर करूं ठीक है ना ये दोनों वैक्टर इनको अगर मैं पी और क्यू कंसिडर करूं तो ये ठीक है ना इन दोनों का एडिशन कर रहा हूं यानी मैं ये थ्री और ये फोर इन दोनों का एडिशन कर रहा हूं तो थ्री मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर और फोर मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर अगर मैं इन दोनों का एडिशन करता हूं तो मुझे क्या मिलता है थ्री स्क्र प्लस फोर स्क्र प्लस टू इंटू थ्री इंटू फोर इंटू अब ये दो जो वेक्टर्स है इन दो वेक्टर्स में एंगल कितना है जीरो डिग्री बिकॉज दोनों एक्जैक्टली सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो यहां पे एंगल कितना तैयार हो रहा है सो जीरो so सो so, इनका अगर मैं आ, तो ये वाला जो बन जाता है ये तो वन बन जाता है सो थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर प्लस टू इंट थ्री इंटू फोर ये तो ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला हो गया सो स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस बी होल तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएंगे मुझे मिल जाएगा थ्री प्लस फोर यह सब कुछ करने के ये सब कुछ इसलिए मुझे करना था ये ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं पड़ती लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ये मुझे इसलिए बताना था कि अगर कोई भी वैक्टर अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्मेट में दिया गया है तो दो वेक्टर का एडिशन करते वक्त आप उनके रेस्पेक्टिव रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स डायरेक्टली ऐड कर दो ये मुझे बताना है इसका मतलब ए बार प्लस बी बार अगर मुझे करना है तो व्हाट आई डू ए बार और बी बार के एक्स कंपोनेंट ऐड कर दूंगा वाई कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड ऐड कर दूंगा दिस विल बी द रिजल्टेंट ऑफ द ए बार सॉरी दिस विल बी द रिजल्टेंट ए बार बी बार गेटिंग द पॉइंट ये हो गया a बार b बार यानी a बार प्लस b बार ये दोनों जो है इन दोनों का एडिशन करने के बाद मुझे क्या मिल जाता है 7i प्लस 11j ये मिल जाएगा मुझे गेटिंग द पॉइंट और ये दोनों जो है ये दो वेक्टर्स हैं ये एक वेक्टर है ये एक वेक्टर है इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट बेसिकली इन दोनों के एडिशन का जो रिजल्टेंट है वो है समझ में थोड़ा-थोड़ा समझ में आ रहा होगा आई होप सो so बेसिकली ये होता है वेक्टर एडिशन का और एक तरीका वेक्टर एडिशन यूजिंग द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आपने ट्रायंगल लॉ देखा हमने पेरोग्राम लॉ देखा पॉलीगॉन लॉ देखा उन सारे लॉज में हम ग्राफिकली उनको ऐड कर रहे थे एंड रिजल्टेंट निकाल रहे थे यूजिंग दीज फॉर्मुलज ये जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के साथ हम एडिशन कर रहे हैं वहां पर हम क्या करते हैं उनके रिस्पेक्टिव रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऐड कर देते हैं आपको रिजल्टेंट भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्मेट में ही मिलेगा लेकिन ये थोड़ी सी इजी मेथड हो जाती है वेक्टर एडिशन की सो दिस इज द अनदर मेथड ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स सो सॉरी ये दिस इज सॉरीदर मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन सो दैट्स इट टुडे आज के लिए हमने क्या देखा हमने देखा एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स यूजिंग द ग्राफ ग्राफिकल मेथड यूजिंग द टू लॉज एंड एडिशन एंड सब्स्ट्रेक्शन के वक्त भी हम ऐसे ही कर सकते हैं सो एडिशन एंड सब्स्ट्रेक्शन ऑफ वेक्टर्स यूजिंग द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इन द नेक्स्ट लेक्चर वील गो फर्दर डीपर इन टू द वैक्टर्स थोड़ा सा क्रोशियल uh, पार्ट um, um, uh, आ जाएगा नेक्स्ट लेक्चर्स में सो so ये अब तक के दो जो लेक्चर्स हैं वो ठीक से कर लेना थैंक यू